चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल श्याम शर्मा इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो आपका ऑनलाइन कोर्स है इंग्लिश का, वो आप खूब बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जो अभी रिसेंट टाइम में जो मैंने बैच स्टार्ट किया है, उसमें ग्रामर और वोकैब्स डेली बेसिस पे आपके जो नया बैच है 30 जुलाई को, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है बढ़िया से प्रॉपर तरीके से। उनको उनमें आप अपना एडमिशन लें, ताकि जिनके पास टाइम काफ़ी है वो सबसे लेटेस्ट बैच में लेंगे, और जिनको अभी देना है SSC का आपका मेन एग्ज़ाम या CPO का मेन एग्ज़ाम, तो वो बच्चे अपना पीछे वाले कोर्स में जो पिछले डेट में जो बैच स्टार्ट हुए उसमें लेंगे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का मौका मिले। और बुक्स वगैरह आप सबको मिल ही रहा होगा, और जो बच्चों को ज़रूरत है वो बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ www.shyamsharmaclasses.com पे, और फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा, और ज्ञान वर्ल्ड पे भी का जो वेबसाइट है वहाँ पे भी मिलेगा, और आप मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप नंबर पे भी आप फ़ोन करके मैसेज करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, थोड़ा सा जानकारी आपको यहाँ से मैं देना चाहता हूँ। दोस्तों, वैसे तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में LY लगने से बनता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनेस्ट, तो ये एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट में LY लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे अगर मैं कहता हूँ यहाँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ जो नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा, लेकिन ब्यूटीफुली अगर बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे वाइज वाइजली, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गली, ब्रेव ब्रेवली, क्लेवर क्लेवरली, एविडेंट एविडेंटली, एपरेंट एपरेंटली, थॉरो थॉरोली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। लेकिन इनका प्रयोग जो होता है सिर्फ एक्शन वर्ब के लिए होता है। किसके लिए? एक्शन वर्ब के लिए, ठीक है। लेकिन आज मैं उन सारे एडवर्ब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो LY लगने से बनता है। कुछ ऐसे भी एडवर्ब हैं जो बिना LY के बनता है, जैसे हार्ड, वेल, स्ट्रेट, डायरेक्ट, समझ रहे हैं? ये सारे कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिसमें आपको LY लगाने से गलत हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि माई फ्रेंड वर्क्स हार्ड, और माई फ्रेंड वर्क्स हार्डली, तो समझिए कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा मेन वर्ब हुआ, और ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, और एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में इसमें LY नहीं लगता। हालांकि हार्डली एक वर्ड है, लेकिन ये फ्रिक्वेंसी वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा ही वर्क्स हार्ड, यहाँ हार्डली लगाएंगे तो गलत है। और ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब के लिए आया है, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकल क्लास है कि एडवर्ब है। अगर यही मैं बोलता ही वर्क्स टू थैन नेल, तो इसका मतलब हो जाता वही जो ही वर्क्स हार्ड का है, लेकिन ये हो जाता है एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। तो जो शब्द का क्लास है वही फ्रेज का भी ग्रामेटिकल क्लास होता है। दूसरा, ये हम कभी नहीं याद कर लेंगे कि ये जो हार्ड है हमेशा हमारा एडवर्ब है। अब यही अगर मैं कहूँ कि दिस सरफेस इज हार्ड, तो अब यहाँ पे बताइए कि वही हार्ड जिसका स्पेलिंग और साउंड सब एक है, यहाँ आया किसके लिए है? तो ये आया है नाउन के लिए, तो नाउन प्रोनाउन को जो डिफाइन करेगा वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड है ये हुआ हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्यों, कौन, क्या क्या है हार्ड? सरफेस। कैसा है सरफेस? हार्ड।
तो ये एडजेक्टिव हुआ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर वाला फ्रेज हो गया। इसी को अगर मैं बोल दूं ही वर्क माई फ्रेंड वर्क्स विथ टूथ एंड नेल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एडवर्ब है तो प्रीपोजिशन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के आगे हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज आता है, तो ऐसे भी एरर हो सकते हैं। अच्छा, और इसमें एल वाई लगा के अगर हम एडवर्ब ऑफ मैनर बनाएं तो ये सब गलत हो जाएगा। जरा फिर से देखिए एक बार, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि सी रन्स फास्ट, और यहां है सी रन्स फास्टली, तो यहां पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फास्ट में एल वाई हम नहीं लगाते एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए। अब यही वाक्य हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सी रन्स फास्ट के जगह सी रन्स एट अ रैपिड पेस, तो ये वाला जो हो जाएगा वही काम कर रहा है जो फास्ट कर रहा है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ मैनर वाला वर्ड हुआ और ये फ्रेज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सी इज फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट इसको डिफाइन कर रहा है, नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करेगा, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो आज का वीडियो का क्लास ये ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कभी भी शब्दों को याद ना करके आप ये समझने का कोशिश करें कि कैसे शब्द आपस में जुड़ाव है ग्रामेटिकली, कि ये वाला शब्द है तो इसके बाद ये होगा, ये वाला शब्द है तो इसके बाद ये होगा। अगर ये देखेंगे तो एक बार में एरर, इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एसएससी, बैंक, प्यू, प्री, मेन, सब एक बार में निकल जाएगा। देखने का दृष्टिकोण डेवलप करना है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा, सही है। तो कोई भी शब्द परमानेंट नहीं है कि इसका मीनिंग हमेशा ये रहेगा या इसका ग्रामेटिकल क्लास हमेशा ये रहेगा, ये वाक्य में उसका देखना है कि आया किसके लिए है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यहाँ पे कि सीस रन्स वेल, तो रन्स वेल यहाँ पे एडवर्ब हो गया ये, अगर यहाँ रन्स वेल की जगह गुड लगाते तो ये गलत हो जाता। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि सी रन्स इन अ प्रॉपर वे, तो ये हमारा वही मतलब दे रहा है सी रन्स इन अ प्रॉपर वे जो सी रन्स वेल का है, तो ये एडवर्बियल वर्ड हो गया, ये फ्रेज हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सी इज वेल, यानी कि स्वास्थ्य उसका अच्छा है, तो सी इज वेल हो गया, तो सी इज वेल का मतलब ये हुआ कि ये इसके लिए आया है, तो ये इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। सी इज गुड बोल रहे हैं तो ये बिहेवियर के लिए है, सी इज फाइन मतलब टेम्प्रोरी हालात, ठीक है। तो सब शब्दों के अपने अपने यूज होते हैं, सही है। तो वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि सी स्पीक्स स्ट्रेटली या सी स्पीक्स डायरेक्टली, तो यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेटली जो आप यूज कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा, और इसके जगह लिखना होगा सी स्पीक्स स्ट्रेट या सी स्पीक्स डायरेक्ट, डायरेक्टली लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सही है। लेकिन इसमें जो एक वर्ड स्लो होता है ये दोनों रूप में यूज करते हैं, ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, यानी ही स्पीक्स स्लोली भी ठीक है और ही स्पीक्स स्लो भी ठीक है, लेकिन स्लो एडजेक्टिव भी हो सकता है, ही इज स्लो, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कोई भी शब्द चाहे ग्रामर हो या वो गैप्स हो उसको याद ना करें बल्कि समझें, यही आधा क्लास में ग्रामर आधा क्लास में वो गैप्स को एक ही पैटर्न से समझाने का काम मैं करता हूँ, जो आपके ये जो अभी जो नए जो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं इनमें बिल्कुल बराबर बराबर दोनों के लिए टाइम दिया जा रहा है। तो मन लागे पढ़िए, खूब मन लागे पढ़ें, सब अप्रोचेज आप लॉजिकली डेवलप करें, हर शब्द में, हर फ्रेज में, हर क्लाउज में ग्रामर नजर आए, उसका ग्रामेटिकल क्लास नजर आए, फिर देखिए आपका कितना बढ़िया समझ डेवलप हो जाएगा। ग्रामेटिकल क्लास पहचानना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हर शब्दों का, हर फ्रेज का, हर क्लाउज का, अगर उसमें कमी है तो समझिए कि बहुत बड़ी कमी होती है। चलिए धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।